वीकली हॉरोस्कोप जो 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक इसका बेस है आपका चंद्र राशि, आपका मून साइन। इसको आप ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक भी, इसको आप ले सकते हैं अपनी चंद्र राशि के मुताबिक भी, आप सबके लिए। कैंसेरियन 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2021 इस आने वाले वीक के अंदर हेल्थ के इश्यूज बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी। इस आने वाले वीक के अंदर कैंसेरियन आपको अपनी कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ, बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, अपने प्यारों के साथ, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन जितनी दुरुस्त होगी उतनी आपकी मुश्किलें खत्म होंगी। जितनी कम्युनिकेशन के अंदर आप कोल्ड एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे उतनी आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी, उतनी गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी, उतने ही अपने प्यारों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े पर्सनली प्रोफेशनली सब हो जाएंगे। इस पूरे वीक के अंदर खर्च बहुत ज़्यादा होगा। फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें, ओवर एक्साइटेशन से बचें, हर बात पे आग बूला पागलपन ना दिखाएं, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करें। बिजनेस डीलिंग में अगर आप कुछ जा रहे हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं। फैमिली सपोर्ट आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। जितना आप काइंड हार्टेड होंगे उतनी मुसीबतें आपकी ख़त्म होंगी, उतनी गाइडेंस आपको मिलेगी, उतनी सपोर्ट आपको मिलेगी। ज़ुबान का लहजा अच्छा रखें, मीठा रखें, हालात इम्प्रूव हो जाएंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में है, बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखें, मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। सूर्य 12वें घर में है, कोर्ट से कानूनी मार्ग से कोई पनिशमेंट ना आपको मिल जाए। केतु पंचम भाव में है, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचे, पेट का ध्यान रखें। मरकरी राहु 11वें भाव है, हायर अथॉरिटी से कोई पेनल्टी पनिशमेंट ना आपको मिले, पैसे का नुकसान ना हो। इस आने वाले वीक में अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, जिसमें पता चलेगा इस आने वाले वीक का कंप्लीट एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस के साथ के अंदर पता चलेगा चंद्रमा के गोचर का फल, जो बताएगा आपका विजन, आपकी इमेजिनेशन, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस, आपकी हेल्थ, आपकी हार्मोनी, आपकी हैप्पीनेस पूरे वीक के अंदर क्या है। कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी वो ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल का दौर चल रहा हो, वो ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना, वो ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका आप 7 डेज के अंदर प्रयोग करें ताकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।